हेलो। अभी जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था, ये जो हमने केराटिन पाउडर से ये जो पेस्ट बनाया था, इसको 2-3 घंटे हो चुके हैं और एकदम एकदम स्मूथ पेस्ट बन गया है। अच्छे से एक बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन गया, बिल्कुल क्रीम फॉर्म में है ये पेस्ट एकदम। खुशबू भी अच्छी आ रही है। इसको हम बालों में लगाएंगे अच्छे से और कोशिश करेंगे कि इसको लगाने के बाद अपने बालों को बिल्कुल सीधा सीधा ही रखें। कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल एकदम सीधा सीधा बालों को रखें, एकदम सीधा सीधा इसको लेंथ में लें। और इसको हम हैंड से लगाएंगे या फिर ब्रश से लगाएंगे, ये आपकी चॉइस है। हैंड से लगाते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से लग जाता है। रूट्स में भी लगा सकते हैं इसको, रूट्स में जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन इसका काम वैसे हेयर की लेंथ में है। कोशिश करें कि इसको हैंड से ही लगाएं, ब्रश यूज नहीं करें। इसको ऐसे अच्छे से रूट्स में लेंथ पे अच्छे से पूरी लेंथ पे लगाएंगे। मैंने इसका बन बना लिया है क्योंकि मेरे हेयर की लेंथ ज्यादा है तो मैं इसको खुला नहीं छोड़ सकती ऐसे इसको लगा के, तो मैंने इसका बन बना लिया है। यदि आप लॉन्ग हेयर्स में इसको खुला छोड़ सकते हैं तो आप इसको छोड़ देना। इसके बेनिफिट्स मैं बता रही थी, इसके आपकी रीग्रोथ में बहुत हेल्पफुल है, आपके बालों को अच्छी कंडीशनिंग करता है और जो आपको लुक कैरेटिन में मिलता है वो इसमें जरूर मिलेगा और 100% मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि केमिकल फ्री है, उससे बड़ी बात कि बच्चे भी लगा सकते हैं। इसको अच्छे से लग गया है, फिर मैं सारा अच्छे से कवर कर रही हूँ इसको और हैंड से लगाएंगे तो और भी अच्छे से आएगा और भी अच्छे से लगेगा और थोड़ा सा पता चलता है कि कहाँ कहाँ लगा है हैंड में और अपने आप भी लग जाता है। ऐसा नहीं है किसी की हेल्प की नीड होगी आपको। और इसका मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका रिजल्ट जरूर दिखाऊं ताकि आपको पता चले कि इसका क्या लगाने के बाद क्या रिजल्ट है। बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल किचन इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें सारे, कोई भी केमिकल नहीं है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। थैंक यू।